158 के ऊपर डॉलर पहुंच गया हमारा माशाल्लाह। और वो मीडिया और वो लोग जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट करी हुई थी कि ये डॉलर जो है जी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, 150 से नीचे 140 पे जा रहा है, और ये होने वाला है, वो होने वाला है, आप देख लीजिए 158 पे आ गया। और खैर मेरे लिए एक खुशी की बात इसलिए होती है क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ वो सारे बाहर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो मुझे तो एक अच्छा अमाउंट लगता है और मिलेगा भी। मगर एक आम आदमी की लाइफ के ऊपर जो उसका इम्पेक्ट हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं जो भी मेरे चैनल को अभी तक देखने वाले लोग हैं, क्योंकि ऑन एंड ऑफ वीडियोस बन रही हैं, अभी इतना टाइम मिल नहीं पा रहा कि कंसिस्टेंसी के साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हाईलाइट कर सकूं जो कि मैं चाह रहा हूँ अब करना, और टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए। बट मैं हर किसी को एक यही चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग फ्रीलांसिंग सीखिए और फ्रीलांसिंग की तरफ आइए, ताकि आप अपनी एक जो सेकेंड इनकम है वो भी स्टार्ट कर सकें। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 काम करते हैं, और देखिए ये जो एक्सक्यूज़ होता है ना एक सबके पास कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 9 से 5 काम करता हूँ, 6 सवा 6 घर पहुँचता हूँ ट्रैफिक के बाद, फिर खाना खाता हूँ, फिर घर वालों को टाइम देना है, फिर मैं बैठ जाता हूँ और फिर थोड़ा सा फिर सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ। तो यार आप सोने का ड्यूरेशन थोड़ा कम कर दो, आप 7 घंटे सोते हो, आप 6 घंटे सो, आप 5 घंटे सो, हफ्ते में 3 दिन आप 5 घंटे सो, और बाद में जो आपके 2 दिन मजीद बचते हैं, वर्किंग डेज 5 होते हैं, उसके अंदर आप 7-7 घंटे सो जाओ। आप अगर 3 दिन भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें लर्न करना शुरू करेंगे, 2 से 3 घंटे, मेक श्योर रखें वो 2 से 3 घंटे आपकी कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, आप फ़ोन के ऊपर बिजी ना हो, कोई भी चीज़ लर्न करते हुए, वो ई कॉमर्स है, वो वेब डेवलपमेंट है, या वो कुछ भी है। आजकल लोग फ्रीलांसिंग से काफ़ी मुनासिब पैसे कमा लेते हैं, तो ट्राई करें कि इस तरफ आएँ और अपने आप को थोड़ा सेटल करें, ताकि अपनी एक सेकेंड इनकम स्टार्ट कर सकें। और जो अभी कुछ और हमारे टॉपिक्स हैं इन पे वीडियो आने वाली है, तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।